आज हमारा बोरीवली का ओम साई गोविंदा पथक जो अभी नवी मुंबई स्ट्राइकर्स इस टीम के लिए खेलने वाला है, मैं इस टीम को यहाँ पर प्रोत्साहन देने के लिए मेरे छोटे भाई और इस टीम के फ्रेंचाइजी ओनर अर्जुन कंधारी को लेकर आया हूँ। बहुत अलग जोश यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक अलग उत्साह यहाँ पर इन खिलाड़ी में आप देख सकते हैं। और अर्जुन मेरा छोटा भाई बहुत मेहनती है, अच्छा काम करता है और ऐसा अच्छा काम करने वाला कार्यकर्ता जब इन गोविंदाओं को समर्थन देने के लिए साथ देने के लिए रहता है, मुझे विश्वास है कि ऐसे लोगों के वजह से आने वाले समय में ये गोविंदा और आगे जाएगा। और जिस तरह से जो कंपटीशन जो हो रहा है, आपने कहा कि इनको जॉब्स भी मिलेगी, तो ये जो विजन है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैं एक कर्तव्य समझता हूँ कि एक आयोजक के तौर पर सिर्फ आयोजन करना ये मेरा काम नहीं है, बल्कि आयोजन करने के बाद जो प्लेयर्स होते हैं उन प्लेयर्स को उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, और उसी बेनिफिट के को देने के लिए मैंने हर एक जो टीम के ओनर्स है उनसे विनती की है कि आपके 200 प्लेयर्स की जो स्क्वाड है उसमें से कम एक 10% लोगों को आप नौकरी दिलाइए, जिससे उन प्लेयर्स का भी भला होगा और हमारे भी मन में एक अलग समाधान मिलेगा।
अर्जुन जी कितनी खुशी हो रही है? बहुत जी, बहुत बहुत खुशी है। मेरे बड़े भाई है, इन्होंने मुझे इस अवसर पे आने का मौका दिया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। सर, जैसे कि आपने कहा कि इसे इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाना, तो क्या किस तरह से लेके जाने वाले हैं? नहीं, देखिए, एक सपना जो देखा था कि मिट्टी में खेला हुआ खेली जाती थी दही हंडी, अब मैट पे खेली जा रही है। मैदान में खेली हुई दही हंडी आज इंडोर स्टेडियम में खेली जा रही है। न्यूज़ चैनल पे देखी हुई दही हंडी आज बहुत बड़े स्पोर्ट्स चैनल पे दिखाने वाली है, ये दही हंडी होने वाली है। और जैसे मैंने कहा कि मैंने एक सपना देखा और सपना मैंने पूरा किया है, और आने वाले समय में जो कुछ चीज़ें बची है इस सपने को और अच्छा और सुंदर बनाने के लिए, वो सब चीज़ें भी आने वाले समय में मैं करूँगा। और अभी इस खेल को महाराष्ट्र से हमें हिंदुस्तान में लेके जाना है, और भविष्य में हिंदुस्तान से ये पूरे हमें इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। सर, आने वाले समय में एमसी चुनाव में राकेश सवाल तो कंदारी जी को क्या जिम्मेदारी है कोई? वो उनको अभी मेरे साथ युवा सेना में बड़ी जिम्मेदारी है, और अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ताओं का हम हमेशा आगे अच्छा समर्थन देते हैं। अर्जुन सर, क्या कहना चाहता हूँ, जब आपके साथ में हो, आपने इतना उत्साह बढ़ाया, उनको आपने देखा कि 30 सेकंड के 20 सेकंड में इतने जल्दी लोग पटक लगा रहे हैं, कितना एक्साइटमेंट हो आपके गोविंदा फूल को लेकर? सबसे पहले मैं ओम साई मंडल में आया हूँ और साई बाबा के शरण में आया हूँ, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो मनोरंजन, जो उत्साह मुझे देखने मिल रहा है, तहे दिल से मैं यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं उन सबका आभारी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम अच्छा परफॉर्मेंस करें, आगे बढ़े। इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है। मेरे बड़े भाई पूर्वेश सरनायक जी और उनके फादर प्रताप सरनायक जी काफ़ी सालों से करते आ गए, और मुझे बेहद खुशी है कि मुझे मौका मिला है ऐसे चीज़ में शामिल होने को। आगे आप किस तरह देख रहे हैं? उन्होंने भी कहा कि मुंबई से महाराष्ट्र और पूरे इंटरनेशनली भी इसको ग्रो करेंगे। देखिए क्या हो रहा है कि जिस हिसाब से क्रिकेट ने ग्रोथ किया है, देखिए जैसे क्रिकेट आज एक बड़ा स्पोर्ट बन गया है, हमने देखा कि ISPL में क्या नंबर्स आए थे, वैसे ही इनका इरादा है कि IPL वे में दही हंडी को चेंज करके प्रो गोविंदा का नाम दिया जाए, जहाँ पे जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे है उनको एक स्टेटस मिले, उनको एक सेलिब्रिटी लुक मिले, और उनकी आमदनी बने, उनको इस स्पोर्ट से पैसा आए, और इसमें सिर्फ उनका वक्त नहीं जाए, इनको पैसा आए, और इसको महाराष्ट्र और पैन इंडिया लेवल पे मोनेटाइज स्पोर्ट बनाने का इरादा है। नेक्स्ट ईयर इसके ऑक्शंस होंगे और इसको बहुत बड़े पैमाने पे लेके जाने का इरादा है। ये पहला सीजन है, बट सेकंड सीजन और बड़ा होने वाला है। देखिए, इसमें 16 टीम है, और जितने भी 16 ओनर है काफ़ी मेरे दोस्त है, सब बड़े बड़े नाम है, तो और हर टीम का एक सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर है, तो बॉलीवुड साथ में है, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री साथ में है, और जो NSCI डोम है वो बहुत बड़ा कैनवस है, और एक बहुत लीडिंग चैनल पे आज ये पब्लिसाइज होने जा रहा है। ये जो स्पोर्ट होता था वो यूट्यूब पे ज़्यादा दिखता था, बट आज ये बहुत बड़े स्पोर्ट्स चैनल पे लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है, तो हर प्लेयर को विजिबिलिटी मिलने वाली है, और घर बैठ के सबकी फैमिली देख सकती है कि क्या काम होने वाला है, तो इसको एक इंटरनेशनल चैनल पे लेके आना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपकी टीम जो है वन ऑफ द बेस्ट टीम है, जो कि कम सेकेंड्स में पतंग बना सकती है। देखिए ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, बहुत टीम्स है और सब अच्छा करते हैं, सब मेहनत करते हैं। देखिए, हमें मेहनत करना है, हमें फोकस्ड रहना है, और हमें सिर्फ एक ही गोल है, जैसी अर्जुन की मछली पे आग थी, वैसे हमको नंबर वन आना है इस दही हंडी में। ये सबका गोल है और हमको नंबर वन आना है, और उसके सिवाय हमारा कोई गोल नहीं है, और उसमें जितनी भी मेहनत लगेगी, जितना भी कष्ट लगेगा, यहाँ पे सब खड़े हैं रात के 1 बजे मेहनत करने को, प्रैक्टिस करने को, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मेरे हाथ में नहीं है, वो पार्टी का हाई कमांड डिसाइड करता है, बट मैं इतना कह सकता हूँ कि विधानसभा चुनाव में जीत हमारी होगी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि CM एकनाथ शिंदे साहब के लीडरशिप में महाराष्ट्र ग्रो हुआ है, जो आज जैसे हम देखते हैं दही हंडी जो एक प्रो गोविंदा में आज बन गई है, एक लीगल स्पोर्ट बन गया है, तो ये सब महाराष्ट्र के इमोशनल कल्चर को आगे लेके जाने की प्लानिंग चल रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे लगता है कि महायुति अलायंस, जो हमारी अलायंस है, वो बहुत इजीली ये टाइम चुनाव जीत लेगी। मुंबई कर्स को क्या आप मैसेज देना चाहते हो आने वाले दही हंडी कस्टमर्स? मैं चाहता हूँ कि सब अपना स्क्रीन पे चैनल देखे, और मैं चाहता हूँ कि हर कोई जितने भी लोग हो, फ्रेंड्स फैमिली, वो सब NSCI डोम में आए और इसका इंजॉयमेंट ले, बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है।
थैंक यू।